सो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। वीडियो बनाने का मन करता है अब, और संडे राइड पे जो है अच्छे व्यू निकल कर आ गए हमारे और मज़ा आ गया। तो आते हैं पॉइंट पर, बात करते हैं कि आज मैं ऐसा टॉपिक लेने वाला हूँ अपनी वीडियो के अंदर जो किसी ने नहीं लिया है, एंटॉर्क से रिलेटेड। मैं बात करने जा रहा हूँ एंटॉर्क की ऐसी चीज़ के बारे में जो कि लोग ऑलमोस्ट 25,000 या 20,000 के समथिंग के अंदर ही रिप्लेस करवा देते हैं। और थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस आ रहा हो, नॉइस आ रहा हो, तो उसके लिए मैं आपसे एडवांस में सॉरी बोलूँगा। सो ऐसी चीज़ है जो लोग 25-26,000 के अंदर एक्चुअल में जो है रिप्लेस कर देते हैं। और वो चीज़ जो है, मैंने ऑलमोस्ट, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कितने किलोमीटर चला दी है, रेस नहीं हुई है, आप लोग देख सकते हो 32,000 किलोमीटर मेरी ये ऑलमोस्ट जो है रन हो चुकी है और ही करवा देते हैं। तो ऐसी चीज़ है जो कि है, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ है हमारी स्कूटी के टायर, फ्रंट एंड व्हील। मैंने ऑलमोस्ट 32,000 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए हैं, बट और जो मेरा एक्सपीरियंस है जेन्युइनली, मैं आप लोगों को बताऊँ, बहुत ही परफेक्ट वाला मेरा रिव्यू आया है कि इतना बढ़िया रिव्यू मेरा कभी नहीं आया किसी भी बाइक के साथ, किसी भी स्कूटर के साथ। और जो भी मैंने चलाई और मैंने सीखा है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो पहले आप लोगों को मैं कंडीशन दिखाता हूँ कि स्कूटी की टायर की कैसी कंडीशन है और कितना अच्छा परफॉर्म्स किया है और क्या अब इसके अंदर मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या नहीं आ रही हैं, ये सब मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो बात करें हम अपने फ्रंट टायर की। ये देखिए, फ्रंट टायर जो है हमारा बिल्कुल ये देखो, एक्चुअल में जो होता है ये बिल्कुल इतना एरिया जो होता है अंदर चला जाता है। और अब जो है ये देखिए, इतना भी फ्रंट में भी होता है बट ये घिस चुका है। तो अब मुझे पहली बात तो फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट टायर के अंदर मेरे को प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि ये स्लिप मारना स्टार्ट हो गया है। बिकॉज ऑफ दैट इसकी जो ये कटिंग्स होती हैं ये घिस गई हैं पूरी। सो उससे क्या होता है, रोड की जो ग्रिप है वो ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। सो इसके जो ये टिप्स निकले होते हैं छोटे छोटे, वो तक नहीं उतरे, मैंने इतने प्यार से इनको यूज़ किया है। और एक चीज़ मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी आप लोगों को बताऊंगा, वो मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पहले आपको पीछे वाले टायर्स की कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूं। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी आ रही होगी। सो ये हैं कुछ पीछे वाले टायर्स की कंडीशन, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देखिए आप लोग, सेम कंडीशन पीछे वाले टायर की हो गई है। और मैं बताना चाहूँगा, मैंने फ्रंट टायर के अंदर एक भी पंचर नहीं लगवाया है, 32,000 किलोमीटर मेरी चल चुकी है। और पीछे वाले में मेरे तीन लग गए, लगना एक था बट तीन लग गए, वो भी मेरी गलती की वजह से लग गए। दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ रीज़न, क्योंकि मैंने एक पंचर पे उसको नॉन स्टॉप चलाया रखा। सो अब प्रॉब्लम ये आ रही है पीछे वाले टायर में कि इसके अंदर ये देखो क्रैक्स आने शुरू हो गए, इसमें जो है क्रैक्स आने शुरू हो गए। प्रॉब्लम ये आ रही है, ये देखो ये क्रैक आने शुरू हो गए, ये देखो हर एक कोने पे आपको एक क्रैक दिखेगा। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे वाले टायर में देखो कितना लंबा क्रैक है। सो क्रैक ये आने शुरू हो गए हैं हर एक जगह पे। अब इसकी ग्रिप जो है कम हो गई है और क्रैक्स की वजह से, अगर ये ज़्यादा क्रैक्स बढ़ जाते हैं, मैं चाहूँगा एक्चुअल में क्या होता है कि जो टायर के एयर प्रेशर होता है वो भले ही पंचर ना हो बट वो एट दिस टाइम एक पॉइंट पर आकर के वो लीक करना शुरू कर देते हैं उस क्रैक से। तो वही सिचुएशन अभी इसके साथ हो रही है, बट अभी लीक नहीं कर रहा है। बट अगर मैं इसको अभी भी और चलाता जाऊँगा, फॉर एग्जांपल 35 से 40 कर दूंगा इसको मैं, अभी 32 चलिए तो 32 से मैं इसको 14,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली चला लेता हूँ, जो कि नामुमकिन है। क्योंकि अगर मैं इसको चलाता हूँ तो मेरा एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्लिप अभी भी मारना शुरू हो गए हैं दोनों टायर, तो मेरे को रिप्लेस करने पड़ेंगे। और क्रैक्स आने की वजह से इसमें क्या होता है, एयर प्रेशर जो हमारा कम हो जाता है। और दूसरी बात, मैंने इसमें, आप लोग मानोगे नहीं, आगे वाले टायर के अंदर पिछले एक साल से हवा नहीं भरवाई, इन द सेंस मैंने कभी भी इसको छिड़वाया नहीं। इसके अंदर मैंने जो एयर प्रेशर है एकदम एक्यूरेट रहता है, बिकॉज मैं इसको छिड़वाता नहीं हूँ। क्या होता है, अब एक बार इस पिन को छिड़वा दोगे ना एयर प्रेशर वाले से, अगर आप बाहर से एयर डलवा रहे हो, तो वो बार बार एयर प्रेशर चेक करवाने से क्या होता है, पिन जो होती है वो टेढ़ी हो जाती है। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली एयर जो है हमारी निकलती रहती है, और भले आप उसमें पंचर हो या ना हो, या वो नोज़ल टेढ़ी कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो मैंने एक साल से इसको छिड़वाया नहीं है, जो भी है इसका एक साल की पहले डलवाई हुई जो एयर है वो ही चल रही है, और मैं इसको रफली हर संडे इसको चलाता हूँ। भी है मेरा जितना भी मैं इसके अंदर राइड करता हूँ वो सब उसी से चल रहा है, एक बार सेटेड है। तो मैं आपको एक बोनस टिप है मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने व्हीकल को चला रहे हो तो उसमें एयर प्रेशर डेली, हफ्ते में कोई ज़रूरत नहीं है चेक करवाने की। अगर आपकी परफेक्ट चीज़ है तो आपको बार बार चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है, आप एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करोगे तो उसका जो
एक लाइफ होता है वो कम हो जाता है, और अगर उसको आप लॉन्ग टर्म पर चलाना चाहते हो तो उसको थोड़ा सा कम यूज़ करो। फॉर एग्जांपल उसकी एक छोटी सी पिन होती है, अगर उसको बार बार प्रेस करोगे तो वो पिन एक टाइम पे आके ख़राब हो जाती है। और कुछ पंचर वाले एयर वाले ऐसे भी होते हैं जो उसकी जो अपनी नलकी होती है वो भी कुछ ज़्यादा प्रेशर से दबाते हैं तो वो भी कई बार क्रैक हो जाती है, तो वो चेंज करवानी पड़ती है। तो इन 3 सालों के अंदर मुझे इन टायर से कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। मेरा रफली यही एक आप लोगों के साथ एक गुड एक्सपीरियंस है ब्लैक पैंथर के साथ। तो मेरे को तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं आई इन टायर्स के साथ, और बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, ज़बरदस्त चल रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली मैंने पता किया था टायर, और मेरे को पता चला है कि 1400 रुपये का टायर है इसका सिंगल साइड का, तो वो दोनों मेरे को रिप्लेस करवाने हैं, और इसमें मेजर कोई मुझे खर्चा लगा नहीं, एक नंबर है भाई। जिसको लेनी है ले लो, मैं रिकमेंड करता हूँ, बट बस ये थोड़ा फाइबर बॉडी है ना, इससे बाकी कोई इशू नहीं है, बिंदास लो। और टायर से तो मैं बिल्कुल खुश हूँ, नो इशू। और आवाज़ कैसी आ रही है आज, मैं पता, देखो ये काम से आ रहा हूँ, ये देखो सामान वामान सब पड़ा हुआ है इसके ऊपर, ये सब पड़ा हुआ है। अब मैं कुछ ऐसे ही आप लोगों के से ब्लॉग शूट किया करूँगा, क्योंकि क्या है काम से आता हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता, अब टाइम निकालना पड़ रहा है और निकालना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं निकलेगा तो फिर भैया चैनल डाउन हो जाएगा, तो वो मैं चाहता नहीं हूँ और आप लोगों को खोना नहीं चाहता। तो दैट्स इट, ऐसे वीडियो बनानी पड़ेगी। और देख लो 2020 का मॉडल है, जिन लोगों को नहीं पता, 2020 से लेकर के मैंने अभी तक इसको 32,000 किलोमीटर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 32,000 किलोमीटर मैंने चला दिए। मीटर में एक बार फिर से दिखा देता हूँ, 32,500 होने वाला है, ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने चला दिया है। और टायर का जो रिव्यू है, बहुत ही परफेक्ट टायर डाले हुए हैं। जो लोग बोलते हैं TVS के टायर बेकार होते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग अगर ड्रिफ्टिंग मारोगे, अगर आप रैश चलाओगे, अगर आप बिल्कुल ही घसीट घसीट के चलाओगे, तो भैया टायर की जो एक लाइफ होती है ना, वो 15,000 भी नहीं चलेगी, मैं कह रहा हूँ 10,000 भी नहीं चलेगी। बट चलाने वाला जो बंदा होता है ना, अगर वो ढंग से चलाए इस चीज़ को, तो इस चीज़ को आप, मैं ये आपके सामने है, मैंने इसको 32,000 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया, और अभी मैं चाहूँ तो इसको 38 भी चला सकता हूँ। इतना मेरे को इसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि ये टायर अभी मेरे 38,000 भी चल जाएंगे, बट नहीं, मैं अपना रिस्क नहीं लूँगा, मैं इन टायर्स को चेंज करवाऊँगा। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर न्यू वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड